जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप दीपक का महत्व के बारे में सुन रहे हैं। दीपक, हर घर में दीपक जलाया जाता है। देवी प्रपन्नता ती हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर की जो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमिश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। यानी कि दीपक से शत्रु नाश तो होता ही होता है, धन संपदा भी प्राप्त होती है। सामान्यतः घरों में घी या तेल के दीपक जलाने की हमारे यहाँ परंपरा परिपाटी भी है, रीति रिवाज भी है, मान्यताएं भी है। कोई भी पूजा करो तो यह है कि दीपक जलाना ही जलाना है। अब पूजा के समय दीपक कैसा होना चाहिए, यह भी रहस्यमय ज्ञान है। पूजा तो होगी, ज्योत तो जलेगी, पर अब घी का दीपक होगा कि तेल का दीपक होगा कि मिट्टी का दीपक होगा कि स्टील का दीपक होगा कि पीतल का दीपक होगा कि फूल बत्ती होगी कि लंबी बत्ती होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और यह जो संदेह जिसको बोलना चाहिए कि कौन सा दीपक होना, कौन सा तेल होना, कौन सी बत्ती होना, यह सब कुछ अनाड़ी लोगों के द्वारा जो उल्टे सीधे प्रवचन देते रहते, कम ज्ञान है, ये उनके द्वारा भ्रम फैला दिया गया है कि आप देवी जी का दीपक लगाओगे तो आप लाल रुई की बत्ती लाल होनी चाहिए, बगलामुखी का लगाओगे तो पीली बत्ती होनी चाहिए। ऐसा कहीं पे कोई भी नियम नहीं लिखा है। अपनी मर्जी से उनने 10 बात और जोड़ दी जिसका कोई तोड़ न है न तुक्का है। तो सिंपल जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है उन परंपराओं का पालन करें। तो दीपक जो है, पुराने जमाने में आटे के दीपक बना करके लगाए जाते थे, जो शुभ भी मानते हैं और पवित्र भी मानते हैं। और आटे के दीपक लगाने से मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, इसलिए पुराने जमाने में आटे के दीपक बना करके ही लगाए जाते थे। मां भगवती दुर्गा जी, हनुमान जी, गणेश जी, भोलेनाथ, भगवान विष्णु, विष्णु के सभी अवतार, सभी मंदिरों में आटे के दीपक कामना पूर्ति के लिए जलाए जाते हैं। यदि कोई मनोकामना हो रही है, या तो कहा जाता है कि इतने दिन तक इतने दीपक, 11 दीपक, 5 दीपक, जो भी श्रद्धा हो आपकी, उतने दीपक घी के फूल बत्ती वाले आटे के बना करके लगाए जाते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। तो आटे के दीपक सबसे सर्वोत्तम और पवित्र भी माने गए हैं। दीपक को जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है, और दीपक से दरिद्रता भी दूर होती है। तो पूजा के दौरान और उसके बाद भी कई घंटों तक दीपक जलते रहना शुभ माना जाता है। तो जब भी हम पूजा करते हैं हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए, और घर के मंदिर में ईशान कोण में दीपक लगाना चाहिए। कोशिश की जाए कि दीपक की लो जो है वह हमेशा पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि उत्तर दिशा से धन की प्राप्ति होती है, कुबेर जी महाराज बैठे हुए रहते हैं, और पूर्व दिशा में सूर्य नारायण भगवान, जहां से सूर्य उदित होता है, उजाला मिलता है,
इसलिए पूरब दिशा और उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह होना चाहिए, या फिर फूल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। दीपक आटे का लगाएं या फिर कोई भी दीपक लगाएं, वो दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बस मिट्टी का दीपक हो सकता है, पीतल का दीपक हो सकता है, चांदी का दीपक हो सकता है, सोने का दीपक भी होता है। तेल के दीपक में पवित्र तरंगे की पावर कम होती है और घी का जो दीपक होता है उसमें पवित्र तरंगों की पावर बहुत ज्यादा देर तक रहती है और घी का दीपक वातावरण को ज्यादा देर तक पवित्र रखता है। और घी का दीपक जब जलता है तो उसके चारों तरफ सात्विक ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है। और तेल का दीपक हमेशा जब भी लगाना चाहिए तो हमेशा कष्ट, दुख, परेशानी और समस्या के दूर करने के लिए दीपक लगाते हैं, तो वह तेल का दीपक लगाना चाहिए। और घी का दीपक जो है हमेशा मनोकामना पूर्ति के लिए लगाना चाहिए। और सुख, समृद्धि, शांति चाहिए तो उसके लिए भी घी का दीपक लगाना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब घी का, घी बहुत महंगा मिल गया हो गया है और ओरिजिनल घी नहीं मिलता है, फिर भी अपन अपनी आत्मिक शांति के लिए चाहे महंगा हो तो भी आपको घी का दीपक लगाना है यदि सुख, समृद्धि, शांति चाहिए तो। और यदि आपके जीवन में कष्ट है, समस्या है, दुख है, परेशानी है, संताप है, तो आपको तेल का दीपक लगाना चाहिए। अब घी का दीपक यदि अपन लगाते हैं तो अपने हमेशा दाहिनी तरफ घी का दीपक लगाना चाहिए और तेल का दीपक लगाना, और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ लगाना चाहिए। और दीपक जब भी लगाएं तो तेल और घी दोनों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। गाय का घी रोगाणुओं को भगाने में कई गुना ज्यादा क्षमता होती है, इसलिए गाय का घी बोला जाता है, परंतु वो ओरिजिनल नहीं मिलता है। गाय का घी जब जलता है तो वह वातावरण को भयंकर पवित्र बना देता है। और इसी प्रकार के जो गुण है वह तिल के तेल में होते हैं, परंतु वो भी ओरिजिनल हो तब। तिल का तेल भी जब जलता है तो ऑक्सीजन में वृद्धि करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख प्राप्त करता है, इसलिए तिल का तेल भी लगाते हैं। दीपक को जलाने से पूरे घर परिवार को फायदा मिलता है, जितने जने उसमें रहते हैं, चाहे उस घर का व्यक्ति पूजा में शामिल हो या नहीं हो, ऊर्जा सबको प्राप्त होती है। और आटे के दीपक जो लगाते हैं ये किसी कामना पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं, मन्नत मांगने के लिए भी आटे के दीपक लगाते हैं, फूल बत्ती वाले और घी के लगाना चाहिए। तंत्र क्रिया को काटने के लिए या तंत्र क्रिया को चढ़ाने के लिए हमेशा उड़द के आटे का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि इस आटे में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्नपूर्णा जाओगी मां लक्ष्मी होती है, जहां लक्ष्मी जी होती है वहां पर काली मां का वास तो होता ही होता है। कर्ज से मुक्ति लेना हो, शीघ्र विवाह करना हो, नौकरी प्राप्त करना हो, बीमारी हटाना हो, संतान की प्राप्ति करना हो, स्वयं का घर बनवाना हो, घर के अंदर कलेश अशांति होती हो, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता हो, जमीन जायदाद में झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना हो, झूठे मुकदमे दायर हो गए हो, आर्थिक संकट से आप गुजर रहे हो, तो ऐसे इन सब मामलों में आपको आटे का दीपक संकल्प के अनुसार घी का जलाना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना हो, शीघ्र विवाह प्राप्त करना हो, नौकरी प्राप्त करना हो, बीमारी हटाना हो, संतान प्राप्ति करना हो, खुद का घर बनाना हो, ग्रह कलह
को समाप्त करना हो, पति पत्नी के विवाद को समाप्त करना हो, जमीन जायदाद के विवाद को समाप्त करना हो, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना हो, झूठे मुकदमे में जीत हासिल करना हो, घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हो उसको दूर करना हो, तो आटे का दीपक संकल्प लेकर के जलाना चाहिए और घी का दीपक होना चाहिए। और ये दीपक भी जो है हमेशा घटती और बढ़ती संख्या में लगाना चाहिए, संकल्प के अनुसार लगाते हैं तो। जैसे पहले दिन एक दीपक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, ऐसे 11 दीपक तक लेकर के जाना चाहिए। और फिर एक एक करके वह दीपक कम करते जाना चाहिए। तो इस तरीके से 22 दिन बढ़ते क्रम में और फिर घटते क्रम में दीपक लगाते हैं। आटा जब भी गुथा जाता है तो कोरा आटा नहीं गुथा जाता है, कोरा आटा केवल पिंडदान के लिए किया जाता है, परंतु दीपक के लिए आटा लगाया जाता है तो उसमें हल्दी मिला ली जाती है। फिर उसमें घी की बत्ती डाल करके माचिस की तीली से उसको प्रज्वलित करना चाहिए, अलग अलग माचिस की तीली लेकर के। मन्नत पूरी होने के बाद एक साथ आटे के सारे संकल्पित दीपक मंदिर में जाकर के लगाने चाहिए। और अगर दीप की संख्या पूरी होने के पहले ही यदि आपकी कामना पूरी हो जाए तो भी क्रम को खंडित नहीं करना है, आपको संकल्प में जो लिया गया उसको पूरा संकल्प पूरा करना है, पूरे दीपक जलाना है। किसी भी अच्छे दिन, अच्छे वार, अच्छी तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, चौघड़िये में दीप जलाने का संकल्प ले सकते हैं और हर दीप के साथ में कामना अवश्य बोलना चाहिए। तो ये थी दीपक के बारे में रहस्यमय जानकारी कि दीपक के माध्यम से आप अपनी कामना कैसे पूरी करोगे। सब व्यक्ति का टोटका अलग अलग प्रकार का होता है, आपको जो आसान लगे वो टोटका कर सकते हो। किसी एक मंदिर में ही लगाना है यह अवश्य ध्यान रखें, एक स्थान पर ही लगाना, स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, लगाने वाला व्यक्ति भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और समय भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित संख्या में दीपक लगाना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें ताकि आपकी जो संकल्प लिया है वह संकल्प आपका पूरा हो सके। मैं पुनः कहूंगा कि पितरों के निमित्त जो दीपक बनाया जाता है आटे का, वो उसमें हल्दी नहीं डाली जाती है, और जो देवी देवताओं को संकल्प लेकर के दीपक बनाया जाता है उसमें हल्दी डाल करके आटे को लगाना चाहिए। घी का दीपक ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, शुद्ध देशी घी लेकर के आए, डालडा घी लेकर के नहीं आना है, पूजा के नाम पर मिलने वाला घी भी नहीं लेकर के आना है। अन्यथा तिल के तेल का आपको दीपक लगाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको समय समय पर विभिन्न पूजा पाठ से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित रहस्यमय ज्ञान जानकारी और ज्ञान आपको देते रहते हैं। आज हमने आपको दीपक के से अपना संकल्प, अपनी मन्नत कैसे पूरी करें इस बारे में चर्चा की। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम गुलोम होम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले, जल जल प्रज्जल प्रज्जल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमणि, नमः केटभहाने, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभन्तायनी सुम्बासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी, जपं सिद्धं करुष्मे, ऐं कालीशस्य रूपाय, ह्रीं काली प्रतिकालिका, क्लीं काली कामरूपेण बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च ऐंकारी वेदानी विच्चैं चायं वदा नित्य नमस्ते मन्त्ररूपिणीं, धाम धीम धूम दूजड़े पत्नी, वाम भीम वम वाग्देश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, श्याम चिम चुम मे शुभम करु, हुम 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 कार रूपिणीम, जम 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 नादिनी, ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरी वदे भवान्य ते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम शम वीम दुम ऐं भीम हम छम,
द्विजागरम द्विजागरम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेसरी तथा मलामली मुलुमुल विसिन कुंजिकाय नमो नमः साम सीम तुम सप्सती देवे मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपी तम रक्ष पार्वतीम। हमेशा घर में शुद्धता स्वच्छता पवित्रता बना करके रखें। घर में किसी भी स्त्री के मासिक धर्म की अवस्था में उस स्त्री से 4 दिन तक खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा घर में पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान सब व्यर्थ हो जाते हैं। घर में दरिद्रता आती है, घर में क्लेश और अशांति अवश्य होती ही होती है। फिर ये जब दोनों तीनों होती है तो बीमारी भी अवश्य आती है और आपका जीवन नरक बन जाता है, मानो या न मानो, यह सत्य है।